बेगम बाजार पवार मर्डर केस के मुतासिरा फैमिली मेंबर्स ने आज यादव समाज के साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन नामपल्ले पहुंचने के बाद एक शाहिनाथगंज पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इनका कहना है कि पुलिस इनका साथ नहीं दे रही है और ज़्यादती कर रही है और इनके बेकसूर बच्चों पे भी फेक केसेस बुक कर रही है। लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि ये दो परिवारों का मसला है जिसको कुछ लोग सियासी फ़ायदे के लिए समाजों से जोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफ़सीलात। लक्ष्मी नारायण यादव, यादवी समाज से रिलेटेड रखता हूँ। एक घटना घटी कुछ रोज़ पहले, पिछले हफ्ते, कि एक लड़के का कुछ यहाँ पर कत्ल हो गया। उस सिलसिले में ये दो पारिवारिक मामला है, मगर पूरे समाज को जिस हिसाब से ब्लेम कर रहे, जिस हिसाब से इंटेलिजेंस लगा रहे समाज के ऊपर, ये गलत है। जब पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है, कोर्ट में मसला है, वो कोर्ट देखेगा कि वो दोषी है या नहीं। तुम अपने आप में जिस तरीके से हमारे समाज के ऊपर एक अलग तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सब अपना अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मैं उन सभी से कह रहा हूं ये बंद कर दो, क्योंकि हम भी कानूनी सलाहकार से मदद ले रहे हैं, हम भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आज ह्यूमन राइट्स कमीशन को आने का मतलब ये है कि हम जो परिजन है, ये जो लड़कों के, उनके मन में यह है कि पुलिस उनके साथ में एनकाउंटर कर सकती है बोल के हम सारा समाज इकट्ठा हुआ है। ये किसी का एक का नहीं है, जो भी है दो पारिवारिक मामला है, तो आप पूरे समाज को जिस हिसाब से घसीट रहे हैं वो गलत बात है। इसके लिए हम भी लीगली कार्रवाई करेंगे, इस हिसाब से आज ह्यूमन राइट्स कमीशन आना चाहिए। एक मिनट, आप जो कैसा मालूम है कि बच्चों का इनकाउंटर कर रहे हैं? हमें महसूस हो रहा है जिस तरह से फेक इनकाउंटर इससे पहले भी हुआ है शमशाबाद में, उस हिसाब से हमारे बच्चों का भी हो सकता है। इनके घर वालों को डर ही है। और दूसरी बात, जो समाज को इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, क्या पूरा समाज मिल के ये हुआ है? अरे तुम आप कैसे साबित कर सकते हैं इसके अंदर कि बच्चे दोषी है? अभी तो ये कोर्ट में मामला है, हम न्यायपालिका के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं, जो भी कोर्ट आदेश देंगे हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। ये आप पर्सनली ये करो वो करो, क्या कौन पॉलिटिकल पावर उसको मिसयूज करने की कोशिश? अभी आप मीडिया है, आप सभी को आप मालूम ही है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। एक मिनट, यहाँ क्यों आए आप लोग? यहाँ हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए आए हम। हमारे बच्चों को इनकाउंटर करते बोल के बोल रहे, डरा रहे, धमका रहे हमारे को। हमारे बच्चों को उठा के लेके जाते बोल रहे, घरों में घुस रहे पुलिस वाले, रात को नींद है, दिन को चैन है, हमारे को भाग जाओ घर में से, भाग जाओ बोल के बोल रहे हमारे को। कहाँ जाना हम, और भी हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे मर्दा है, आदमियाँ है घर में भी हमारे, और उन्हों कहाँ जाना ऐसा डरा है तो। और हमारे बच्चों का इनकाउंटर करते, इनकाउंटर करते डरा रहे हमारे को। हमारे को हमारे बच्चों की जान की फिक्र है, हमारे को डर है हमारे बच्चों की जान के वास्ते को, और हमारे बच्चों को सेफ्टी दो। गाली वगैरह भी दे रहे क्या लोग? हाँ, गाली गलौज भी गए। चलो मानव अधिकार में थोड़ा पुलिस वाले सता रहे, सब पुलिस वाले नहीं है, कुछ लोग आए जो तकलीफ दे रहे, और जो है कार्रवाई वो आप करो, जो है उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस को हर चीज़ से सपोर्ट कर रहे हैं, जो कानून करेंगे करेंगे, तकलीफ हमको भी है। और बाजार के जो है व्यापारियाँ सब हमारे भाइयाँ हैं, रात दिन हम उठते बैठते, हमको उनसे तकलीफ नहीं है, उनको हम तकलीफ नहीं है, ये सब भगवान की मार है। फोन करा क्या करा, सब पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करे, हम सपोर्ट करेंगे, पहले से स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं। ये केस कहाँ का है, क्या हुआ वो बोले? बेगम बाजार कोलसाबड़ी पे हुए सो केस है। क्या हुआ केस? केस में मटर हुआ बल्कि सुन रहे हैं, फोन करा क्या करा, वो पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करे। तो पुलिस आपके साथ क्या हरासमेंट करी? वो थोड़े पूरे पुलिस वाले नहीं, थोड़े जाके घरों में लेडीज के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वाले का क्या मुकाम है? आप यहाँ भाई पुलिस वाले लेडीज को थोड़ा उल्टा सीधा बोले, सब पुलिस वाले अच्छे है, थोड़े बहुत रहते हैं, थोड़े लोग जाके कुछ गलत बातें बोल रहे हैं, और तुम घर में गुजारे, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार।